यू आर ऑलवेज हैविंग इंजरीज ऑन योर फेस, ऑन योर हेड, और इंजरीज एसोसिएटेड विद योर नेक, लाइक अ व्हिप्लैश इंजरी, और टू योर अपर एक्सट्रीमिटीज विच इंक्लूड्स योर शोल्डर, एल्बो एंड योर रिस्ट. ऑलराइट, कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Yeah, so I have taken five common injuries that are there in boxing. The first is your boxer fracture. The second one is your carpal bossing. The third is your cuts, or as we call in the medical term, lacerations. And then your shoulder dislocation. And the last one is your concussion, which is sort of your brain injury that occurs if the player hits you in your head or anywhere else. All right, so we'll start with the boxer's fracture. Can I have the next slide? All participants, बस मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण जो हमारे स्पीकर है वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, बट हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन. जो हमारे नेक्स्ट जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो इस सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. तो हमने अभी तक देखा अबाउट द कॉमन इंजरीज, तो उसमें सबसे फर्स्ट इज बॉक्सर्स फ्रैक्चर. तो बॉक्सर्स फ्रैक्चर कब होता है? इट इज अ फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल और बॉक्सर्स फ्रैक्चर, नेम फॉर क्लासिक मैकेनिज्म ऑफ इंजरी इन विच डायरेक्ट ट्रॉमा इज अप्लाइड ऑन द क्लेंच्ड फिस्ट इन मोस्ट ऑफ द कॉमन इंजरीज. तो जब भी एक बॉक्सर हिट करता है, बहुत हार्ड हिट करता है, और उसका जो स्ट्रक्चर वो जैसे हाथ है फॉर एग्जाम्पल रिस्ट, वो अच्छे से कवर नहीं होता है, अच्छे से वो टेप्ड नहीं होता है. तो एक गलत पोजिशन में हिट करने की वजह से जो सबसे लास्ट वाली उंगली है, जो हम यहाँ देखते हैं स्मॉल फिंगर जिसको हम कहते हैं, उस पे फ्रैक्चर हो जाता है. उसके जो हेड है, जो एंड पॉइंट है, उस पे फ्रैक्चर होता है. सो दिस इज कॉल्ड द बॉक्सर्स फ्रैक्चर. ये बहुत कॉमन है एथलीट्स में. द अदर वन इज कार्पल बॉसिंग. कार्पल बॉसिंग इज बोनी ओवरग्रोथ एट द एंड एट द बैक साइड ऑफ द रिस्ट जॉइंट. इट इज मोस्टली असिम्टोमैटिक, कैन बी सीन इंसिडेंटली इन एक्सरे. Some patients get carpal bossing symptoms like pain, restricted mobility and joint stability. Possible complication can be tendon rupture, inflammation and degenerative joint disease. Usually क्या होता है जब एक boxer practice करता है, with years of practice, there is a overgrowth at the back of the wrist joint. जहाँ हम यहाँ देख पा रहे at this point, जहाँ पर wrist attach होता है नीचे वाले जो bones पे, वहाँ पर overgrowth of bone हो जाता है. तो यूजली एथलीट को कोई सिम्टम्स नहीं होते, एथलीट इज असिम्टोमैटिक, द बॉक्सर इज असिम्टोमैटिक. बट सिम्टम्स क्या क्या आते हैं प्रोलॉन्ग या प्रोलॉन्ग करियर या प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग एंड ओवरलोड की वजह से एथलीट को सिम्टम्स जैसे पेन, रिस्ट की मोबिलिटी प्रॉपर नहीं आती है, एक लगता है कि रिस्ट्रिक्टेड ज्वाइंट मोबिलिटी हो गई है, एंड रिस्ट की इंस्टेबिलिटी है, मतलब वो करेक्ट हिट करना चाहता है बट वो हिट नहीं कर पाता. तब जब वो किसी डॉक्टर के पास या फिजियोथेरेपिस्ट के पास आता है, एंड देन व्हेन वी रिकमेंड कि एक्सरे करना चाहिए, देन इट कम्स इन एक्सरे. अदरवाइज इसका कोई पैल्पेट करके या बाहर से हमें दिखता नहीं, इसके कोई स्वेलिंग वगैरह नहीं होती है. इन्फ्लेमेशन होती है, जैसे यहाँ पर दिखते हैं इन्फ्लेमेशन होती है, बट वो बहुत इंटरनल इन्फ्लेमेशन होती है, एक्सटर्नल हमें नहीं पता चलता. इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशन आर लाइक टेंडन रप्चर. ये जो ओवर ग्रोथ है, इसके ऊपर से टेंडन जाती है, दैट हेल्प्स योर रिस्ट मूवमेंट. तो ओवर स्ट्रेच एंड कंप्रेशन की वजह से टेंडन रप्चर हो सकता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अदर थिंग इज लाइक बार बार इसके ऊपर फ्रिक्शन की वजह से देयर कैन बी इन्फ्लेमेशन, एंड लेटर ऑन क्योंकि ओवर ग्रोथ हो गया, इट इज नॉट अ नॉर्मल ज्वाइंट सिमेट्री, उसकी वजह से डिजनरेटिव ज्वाइंट डिजीजेस भी हो सकती है. राइट, सो द नेक्स्ट इज कट या लैसरेशन. दैट इज वेरी यूजुअल, वो हमें बहुत आउटर वे में भी हमें दिखता है, देयर इज कट्स एंड लैसरेशन. राइट, तो कट और लैसरेशन इज यूजली सीन ऑन द चीक एंड नियर द आई. जब भी कोई पंच लगती है एंड इट इज नॉट प्रॉपरली कवर्ड,
तो कट्स एंड लैसरेशन दिखते हैं. ऑल्दो इट इज रेयरली सीन दैट अ बाउट इज स्टॉप ड्यू टू लैसरेशन, इट शुड नॉट बी टेकन लाइटली, इट मे कॉज इन्फेक्शन और विजुअल इम्पेयरमेंट. बहुत सारे केसेस में हमने देखा है एथलीट आफ्टर हिज बाउट कट हो जाता है या ऑन द फील्ड ओनली द एथलीट नीड टू गेट इट सूचर. सो ये कॉमन इंजरी है बट वी शुड नॉट टेक इट लाइटली बिकॉज लेटर ऑन अगर हम इसको अच्छे से ट्रीट नहीं करते द एथलीट कैन हैव एथलीट कैन हैव दैट इंजरी इन्फेक्शन एंड एज वेल एज अगर प्रॉपरली उसके बाद हम ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते हैं उसको करेक्टली डायग्नोस नहीं कराते then the athlete can have later on visual impairments. So उसको बचाने के लिए whenever there is an injury, कोई भी injury होता है athlete का on the face, कोई भी cut होता है very small wound, so it should be taken care properly. Injury prevention and management. So हमें what you need to focus, you have to focus on defense skills. आपके defense skills बहुत अच्छे होने चाहिए. आपके जो you should keep the skin soft and supple. जैसे कोई ऑइंटमेंट लगा लिया अपनी कोई लोशन वगैरह लगा लिया आपने, यू हैव टू कीप द स्किन वेरी सॉफ्ट एंड सपल, क्योंकि अगर सॉफ्ट एंड सपल रहेगा वहां फ्रिक्शन नहीं होगा, देयर विल नॉट बी एनी ब्रेकेज. सो दैट विल हेल्प, इट विल नॉट हेल्प टोटली प्रिवेंट इट बट यस यू कैन सेव इट फ्रॉम दैट. एंड यू नीड टू प्रोटेक्ट द वुंड, अगर वुंड है इफ वंस द वुंड इज देयर यू नीड टू प्रोटेक्ट इट प्रॉपरली, यू नीड टू गेट इट ट्रीटेड प्रॉपरली. एंड अगर ज्यादा बड़ा वुंड है यू नीड टू गेट इट सूचर प्रॉपरली फ्रॉम अ फिजिशियन. कीप द वुंड क्लीन, यस वंस यू नो यू हैव अ वुंड, जितना वुंड मैनेजमेंट होता है यू नीड टू चेंज द ड्रेसिंग प्रॉपरली, यू नीड टू क्लीन द वुंड प्रॉपरली, ये हमें मैनेज करना है. यू शुड नॉट लेट द वुंड गेट इन्फेक्टेड, अदरवाइज देन देर कैन बी सिस्टमैटिक प्रॉब्लम. देन कंसल्ट फिजियोथेरेपिस्ट फॉर स्कार टिश्यू मोबिलाइजेशन. बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि एथलीट के फेस पे या कोई भी मसल्स पे इंजरी हो गई है, उसको प्रॉपरली आपने ट्रीट नहीं किया है, वहां पर स्कार फॉर्मेशन हो जाती है. बिकॉज ऑफ द स्कार फॉर्मेशन देयर कैन बी रिडक्शन इन द मोबिलिटी एज वेल एज मसल मूवमेंट. तो अगर उसको सेव करना है यू नीड टू विजिट योर फिजियोथेरेपिस्ट, यू नीड टू आस्क द फिजियोथेरेपिस्ट टू डू अ स्कार टिश्यू मोबिलाइजेशन. विद दिस इट विल हेल्प जो आपके सुपरफिशियल स्किन होते हैं एंड वीक फेशिया होती है जो दैट इज द कवरिंग ऑफ योर मसल्स, उन दोनों के बीच में स्कार नहीं होनी चाहिए. सो इट विल हेल्प रिमूव द स्कार एज वेल एज मोबिलाइज द मसल अंडरनीथ. द अदर कॉमन इंजरीज शोल्डर डिसलोकेशन, ये आई नो बहुत सारे एथलीट्स में दिखा गया है एंड वी हैव सीन मल्टीपल केसेस ऑफ शोल्डर डिसलोकेशन. व्हाट इट इज लेट अस सी. शोल्डर इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. जैसे हमें पता है ये शोल्डर जॉइंट है. So sorry for the interruption. Shoulder is a ball and socket joint. It is most unstable joint because of its structure. The ball, the head of the humerus, comes out of the socket cup of scapula. So जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं जो आपका humerus है, this is the bone called humerus. ये एक ball की तरह है और जो आपका scapula है, जो shoulder joint है, वो एक socket की तरह है. So it is fixed with this socket as a ball and socket joint. और ये सबसे अनस्टेबल जॉइंट है बिकॉज इसमें सबसे ज्यादा मोबिलिटी प्रोवाइड किया गया है. सो इट्स द मोस्ट अनस्टेबल. तो इसको स्टेबल क्या करता है, दैट इज योर कनेक्टिंग लिगामेंट्स जो इसके आसपास है, द कैप्सूल एंड एज वेल एज द मसल्स. सो इफ यू फील कि आपके मसल्स आर नॉट स्ट्रांग इनफ एंड वेयर बाय बहुत सारा डिसलोकेशन होता है, रिकरेंट डिसलोकेशन की वजह से जो आपके लिगामेंट्स होते हैं दे आर ऑल्सो नॉट स्ट्रांग इनफ टू होल्ड योर शोल्डर जॉइंट टूगेदर, तो उसके वजह से देर कैन बी शोल्डर डिसलोकेशन. सो हियर वी कैन सी जब शोल्डर आगे की तरफ डिसलोकेट होता है, जो आपका बोन है द आर्म बोन है वो आगे की तरफ डिसलोकेट होता है, तो यू वी कॉल इट एज एंटीरियर डिसलोकेशन. और जब वो पीछे की तरफ डिसलोकेट होता है तो इट इज कॉल्ड अ पोस्टीरियर डिसलोकेशन. सो टिश्यूज दैट होल्ड द जॉइंट, जैसे मैंने बताया विट्स वेरी अनस्टेबल जॉइंट, उसको होल्ड करने के लिए यू नीड मसल्स, यू नीड लिगामेंट्स एंड यू नीड कैप्सूल्स. सो देर आर मल्टीपल ऑफ मसल्स दैट वर्क इन को कॉन्ट्रैक्शन विद ईच अदर. अपने एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से सिंक्रोनाइज वे में वर्क करते हैं दैट योर शोल्डर जॉइंट इज स्टेबलाइज. इफ दिस मसल्स आर नॉट स्ट्रांग इनफ, इफ आपके जो लिगामेंट्स हैं वो बार बार टेयर हो रहे हैं या देर इज सम इंजरी इन योर लिगामेंट्स एंड आपके कैप्सूल्स एक जगह पे टाइट है एंड दूसरी जगह पे लूज है, सो यू कैन अल्टीमेटली हैव शोल्डर डिसलोकेशन. टू सेव फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन डू इज
सो यू कैन प्रैक्टिस करेक्ट फॉर्म, जो भी आपकी एक्सरसाइजेस वगैरह है यू हैव टू प्रैक्टिस इन अ करेक्ट फॉर्म, अदरवाइज यू आर प्रोवोकिंग इट मोर फॉर डिसलोकेशन. द सेकेंड थिंग इज यू नीड टू स्ट्रेंथन द स्टेबलाइजर, दैट स्टेबलाइजर मसल ग्रुप, जितने भी स्टेबलाइजर्स हैं आपके मसल आपकी ज्वाइंट के, उसको आपको प्रॉपरली स्ट्रेंथन करना है सो दैट योर ज्वाइंट इज वेरी स्टेबल. द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज जो आपका ज्वाइंट है अगर आप उसको लूज भी छोड़ते हो, यू हैव टू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी, दैट मीन्स योर मसल नीड दैट मच ऑफ स्ट्रेंथ दैट इट हैव टू होल्ड योर शोल्डर ज्वाइंट. तो अगर उतना स्ट्रेंथ नहीं है हमारे ज्वाइंट में या हमारे मसल्स में, सो यू आर मोर प्रोन टू हैव शोल्डर डिसलोकेशन. तो इसलिए वी हैव टू स्ट्रेंथन द स्टेबलाइजर मसल ग्रुप. द अदर इज वी नीड टू फोकस ऑन एन एक्टिवेशन एक्सरसाइजेस, जितने भी हमारे मसल्स है फॉर प्रोलॉन्ग टाइम अगर आप एक ही टाइप के एक्सरसाइजेस वगैरह करते हो, एक ही टाइप की ट्रेनिंग करते हो, आपके जो दूसरे मसल्स होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं. सो वेन एवर यू डू एनी एक्सरसाइजेस अपार्ट फ्रॉम योर ट्रेनिंग, यू हैव टू फोकस ऑन एक्टिवेशन ऑफ ऑल योर मसल्स. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू वर्क ऑन एक्टिवेशन एक्सरसाइजेस. देन द अदर वन इज हाइड्रेशन एंड डाइट. बहुत केसेस में हमने देखा है आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, आपकी मसल्स जो होते हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते, सो बिकॉज ऑफ दैट एथलीट को बहुत सारी इंजरीज आती है. एंड इवन आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, जैसे मसल्स एक्टिविटी के लिए यू नीड प्रोटीन और आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं ले रहे हैं. बहुत सारे केसेस में ये होता है, जैसे एथलीट जो होता है वो वेजिटेरियन होता है तो उसको पता नहीं होता कि क्या डाइट उसको लेना चाहिए, जितना उसकी बॉडी में प्रोटीन रिक्वायर्ड है वो उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा. तो जब हम माल न्यूट्रिट होते हैं या हमें प्रॉपर डाइट नहीं मिलते, उसके वजह से भी मसल की एक्टिविटी कम हो जाती है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट. आपकी हाइड्रेशन है, आपकी डाइट है, उस पर भी आपको बहुत फोकस करना है. एंड देन यू हैव टू वर्क ऑन द हार्मोनी ऑफ वार्म अप एंड कूल डाउन एंड रेस्ट. हम हमेशा ये बोलते हैं जब भी आपको कोई मसल्स को एक्टिवेट करना है, यू नीड टू प्रिवेंट एनी इंजरी, आपको प्रॉपर वार्म अप करना है. वार्म अप का मतलब ये है जो भी आपके मसल्स उस एक्सरसाइज के लिए यूज हो रहे हैं या जो भी आपके मसल्स उस ट्रेनिंग के लिए यूज हो रहे हैं, वी हैव टू वार्म इट अप सो दैट उसमें प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन जाए एंड वो प्रॉपरली एक्टिवेट हो. एंड दैट विल हेल्प यू डू योर मूवमेंट वेरी क्लियरली, वेरी फोकसली एंड बहुत अच्छे से कर पाओगे. एंड द अदर थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज द कूलिंग डाउन. बहुत सारे केसेस में ये चीज हमने देखा है कि एथलीट बोलता है हमारे पास टाइम नहीं है कूल डाउन करने के लिए, सो दो चार ऐसे मूवमेंट कर लिए एंड देन ही लीव्स इट, वो करता नहीं है एंड देन ही गोज बैक. बट ये नहीं करना है हमें. इफ यू आर एक्टिवेटिंग योर मसल्स यू नीड टू कूल इट डाउन. सो कूल डाउन का मतलब है जो भी एक्सरसाइजेस आपने किए आपके मसल्स शॉर्टन हो जाते हैं, कम्स इन अ कॉन्ट्रैक्टेड पोजिशन. सो यू हैव टू डू अ कूल डाउन वेयर इज यू आर यूजिंग फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस टू लेंथन इट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन. सो यू नीड टू कूल इट डाउन. बहुत सारे जो इंजरीज वगैरह हमने देखे हैं वो होते हैं कि प्रॉपरली कूल डाउन नहीं होता है, बॉडी बहुत वियर्ड पोजिशन में वो कूल डाउन हो जाता है, देर आर मसल स्टिफनेस एट सर्टन पॉइंट ऑफ योर बॉडी मूवमेंट, उसकी वजह से सडन कोई मूवमेंट एथलीट करता है एंड देन यू इंजर योर सेल्फ. सो वी शुड नॉट डू दैट. एज एन एथलीट आपको प्रॉपर वार्म अप और प्रॉपर कूल डाउन पे फोकस करना चाहिए एंड विद दैट यू नीड टू डू प्रॉपर रेस्ट. रेस्ट का मतलब है यू आर गेटिंग इनफ रिकवरी टाइम. आपके मसल एक्टिविटी के बाद इफ यू आर नॉट लेटिंग इट टाइम टू रिकवर, देन एक्चुअली यू आर पुटिंग मोर प्रेशर ऑन इट एंड यू आर पुशिंग इट टुवर्ड्स इंजरी. ये हमें नहीं करना है. अगर आपको बहुत स्ट्रेनियस एक्टिविटी हो रहा है, यू नीड टू गिव इक्वल अमाउंट ऑफ रेस्ट ऑल्सो. इंजरी मैनेजमेंट, अगर कोई इंजरी होता है, वट आर द इंजरी मैनेजमेंट टेक्निक्स दैट वी नीड टू डू. आपको पता है एक जॉइंट पे इंजरी हो गया, सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज यू नीड टू इमोबिलाइज दैट एरिया इमीडिएटली आफ्टर रिडक्शन. द आर्म शुड बी इमोबिलाइज इन अ स्लिंग ऑफ 1 to 3 weeks टू प्रिवेंट शोल्डर मूवमेंट. तो शोल्डर में इंजरी हो गई है, शोल्डर डिसलोकेशन हो गया, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू नीड टू इमोबिलाइज दैट. आपको शोल्डर को ज्यादा एक्टिविटी नहीं करना है, यू नीड टू गिव इट अ रेस्ट. द सेकेंड थिंग इज आइसिंग. व्हेनेवर देयर इज एनी इंजरी, आपको पता है वहां पर इन्फ्लेमेशन होगी, वहां पर स्वेलिंग, विजिबल स्वेलिंग दिखेगी. तो विजिबल स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए यू कैन यूज आइस. आइस कैन बी अप्लाइड 3 to 4 times ईच डे टू द इंजर्ड शोल्डर. डूइंग सो कैन हेल्प रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग. तो व्हेनेवर देयर इज इंजरी एक रूट कॉज कोई और हो सकता है, उसका विजिबल हमें सिम्टम्स क्या दिखेंगे, देयर विल बी एन इन्फ्लेमेशन, देयर विल बी पेन. सो ये हमारे विजिबल सिम्टम्स होते हैं ऑफ एन इंजरी. सो इसको रिड्यूस करने के लिए यू कैन यूज आइस. As well as you can use medication, it will help in decreasing inflammation and pain. But medication should be
आफ्टर अ कंसल्टेशन विद अ प्रॉपर डॉक्टर. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी फ्रेंड से पूछ लिया या आपने किसी और से पूछ लिया कि मुझे ये दर्द हो रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं क्या मेडिसिन लूँ. नो, दिस इज अ टोटली नो फॉर दैट, बिकॉज आपको एक लाइसेंस डॉक्टर से पूछना है एंड एक प्रैक्टिशनर से पूछ के ही मेडिकेशन लेना है. क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जो मेडिकेशन में यूज होते हैं, दैट कैन बी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन योर केस. तो उससे बचने के लिए एंड इवन यस एज एन एथलीट आपको डोप के लिए बहुत यू नीड टू बी वेरी केयरफुल दैट आप जो भी मेडिकेशन ले रहे हैं वो डोप पे ना आए. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन में ले रहे हैं वो चीज़ जो मेडिकेशन आप ले रहे हैं. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद दैट. The other thing that you need to be following is physical rehabilitation. Follow rehab protocol designed by the physio. जो आपका physio है, जो आपके साथ काम कर रहा है, he or she will know कि आपके साथ अभी injury क्या है, which phase you are going on, और जो भी rehab protocol वो आपको prescribe करते हैं, you need to follow that end to end. ऐसा नहीं है आज मन नहीं कर रहा तो मैं ये नहीं करूँगा, आज मन नहीं कर रहा तो वो नहीं करूँगा, मेरे पास time नहीं है तो ये नहीं करूँगा. You should not do that. जो भी protocol आपको दिए हैं under their supervision और या आपको कोई homework की बताया गया है कि you need to do this at home, you should do it, follow end to end. The last one is concussion. बहुत सारे cases में हमने देखा है concussion होता है. Concussion is a mild form of traumatic brain injury caused by bump, blow or jolt to the head. Concussion can also occur from a fall or a blow to the body that causes the head to move rapidly back and forth. Concussion are usually not life threatening, even so their effects can be serious. Usually concussion होता है जब आपको direct blow मिलता है आपके head पे, या आपको आप गिर गए हो और आपके head पे लग गया है, तो उसकी वजह से concussion होता है. तो उसके क्या क्या symptoms हैं? सिम्टम्स है हेडेक, नोजिया या वॉमिटिंग, बैलेंस प्रॉब्लम हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, फसी या ब्लरी विजन हो सकता है, फीलिंग टायर्ड हो सकता है, हैविंग नो एनर्जी हो सकती है, सेंसिटिविटी टू नॉइस और लाइट हो सकता है. सो वेन एवर यू नो आप मतलब एज एन एथलीट आपको पता होता है आपने क्या एक्टिविटी की, आपने क्या ट्रेनिंग की है, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल कि आपको कंकशन नहीं हुआ. अगर आपको लग रहा है आपको आप गिर गए हो एंड देन थोड़ा बहुत आपको डिजीनेस फील हो रहा है या हेडेक फील हो रहा है, you have to immediately report to your coach, you have to immediately report to your doctor, you have to immediately report to your physical therapist, क्योंकि वो फिर आपको इन सब चीजों के लिए मॉनिटर करेंगे. तो उसकी कंकशन के आफ्टर इफेक्ट्स क्या क्या है? फर्स्ट, अगर आप यू कैन सी थिंकिंग या रिमेम्बरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, डिफिकल्टी थिंकिंग क्लियरली, फीलिंग स्लोड डाउन, डिफिकल्टी कंसेंट्रेटिंग, डिफिकल्टी रिमेम्बरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, दिस आर द सिम्टम्स. फिजिकल सिम्टम्स जैसे मैंने बताया हेडेक, नोजिया, बैलेंस प्रॉब्लम, डिजीनेस, फिजी, ब्लरी विजन, फीलिंग टायर्ड और हैविंग नो एनर्जी, सेंसिटिविटी टू नॉइज और लाइट. इमोशनल क्या होता है? इरिटेबिलिटी होती है, सैडनेस होते हैं, मोर इमोशनल होते हैं, नर्वसनेस और एंजाइटी. और इसमें स्लीप डिस्टर्बेंस भी होता है, या इधर पर्सन कैन बी स्लीपिंग मोर देन यूजुअल या लेस देन यूजुअल, या ट्रबल फीलिंग स्लीप. तो यू नीड टू मॉनिटर योरसेल्फ, राइट? अगर कोई भी इंजरी हुई है, हेड इंजरी स्पेसिफिकली, और आपको लग रहा है आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं, यू हैव टू इमीडिएटली रिपोर्ट दैट टू योर कोच, योर डॉक्टर और योर फिजिकल थेरेपिस्ट. बाकी के जो इंजरीज जो होते हैं वो है विजुअल इम्पेयरमेंट, ऑडिटरी इम्पेयरमेंट, स्पीच इम्पेयरमेंट, सेंसरी लॉस, मोटर लॉस, कॉन्शियस इम्पेयरमेंट. इंजरी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? टॉक विद एथलीट अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिपोर्टिंग अ कंकशन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि दिस आर वेरी माइल्ड माइल्ड एग्जाम्पल्स, ये माइल्ड सिम्टम्स ऑफ कंकशन, बट लेटर ऑन मतलब अगर हम इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते हैं, वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट, इट कैन लीड टू सीरियस प्रॉब्लम्स. द सेकेंड थिंग इज क्रिएट अ कल्चर ऑफ सेफ्टी एट कॉम्पिटिशन एंड ट्रेनिंग. बहुत सारे केसेस में आई वुड एक्चुअली कोट दैट 90% ऑफ टाइम जो भी इंजरीज होती हैं दे आर ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम. इट इज नॉट ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन, इज ड्यूरिंग द ट्रेनिंग टाइम. क्योंकि बच्चे बहुत केयरफुल नहीं होते हैं जब वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, सो दे आर प्लेइंग अराउंड, दे आर फूलिंग अराउंड, उसकी वजह से सबसे ज्यादा इंजरी होती है. सो एज अ कोच, एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, इट्स आवर ड्यूटी एंड यू शुड नो दैट यू नीड टू प्रैक्टिस अ सेफ कल्चर एट कॉम्पिटिशन एंड ट्रेनिंग. किसी को मतलब जानबूझ के किसी को हर्ट नहीं करना है. ये स्पोर्ट्स है, इंजरीज होती हैं.
but you should not so you you should not you should be very careful when you are doing it. You should not by knowingly किसी को hurt नहीं करना है. You have to play safe, right? Keep up to date on concussion information. Every year, yeah, every few years, ना इसके protocols change होते रहते हैं for concussion and all this. तो आपको up to date रहना है. You need to ask your coach कि क्या symptoms हो सकते हैं. क्योंकि any of the symptoms आपको बताना है coach के साथ. Discussion में रहना है. Even you need to talk to your doctor about it. Check out the equipment and support sports facilities. Usually जब आपके equipments are not up to date, usually होता है बहुत सारे athletes feels कि उसका एक lucky instrument है या lucky equipment है and हर competition में कितना भी वो wear and tear हो चुका होता है but you try to use that again and again because you feel that's so lucky but you also should understand that अगर वो wear and tear हो चुका है it is you can't use it anymore you have to replace it so you have to keep that in mind and up to date होना चाहिए आपकी equipment क्या है वो बॉक्सिंग जो आपके ग्लव्स हैं या आपके जो हेड गियर है या आपको प्रॉपरली उसको चेक करना चाहिए कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हैंडी आप जब भी कहीं पर भी जाते हो अगर कोई भी इशू हो रहा है ऑलवेज इट्स गुड कि आपका कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आपके पास हो सो दैट आपके साथ कुछ भी हो रहा है एनी इशू दैट पर्सन कैन बी कॉन्टेक्टेड एज सून एज पॉसिबल. इंजरी मैनेजमेंट. Apply ice to the head to help reduce swelling. Apply ice to ice every 2 to 4 hours and leave it place for 10 to 20 minutes. इससे ज़्यादा time हमें नहीं करना है क्योंकि इसका कोई effect नहीं होता. I have seen athletes घंटों घंटों icing लगा के बैठे हैं. But I want to quote over here is आपको इतने देर लगाना नहीं चाहिए. उसका कोई effect नहीं है. जो उसका primary effect है वो 10 to 20 minutes में आपको मिल जाएगा. Then you should not do it. I have seen many athletes doing it और उसकी वजह से उनको ice burns भी हुए. So it is a strict no-no. You should not do it. The other is you need to take plenty of rest where possible. Avoid stressful situations, right? Other is avoid drinking any alcohol, taking recreational drugs. जब भी आपको पता है आपको कोई injury हुई है, you should avoid drinking any alcohol. कोई भी चीज नहीं लेना है and कोई भी drugs आपको नहीं लेने हैं. Only drive a car or ride a bike when you have completely recovered. आपको driving भी बिल्कुल मना है. You should not do it even आपको मतलब इधर उधर कहीं जाना है over a bike वो भी आपको नहीं करना है, right? You need to take full rest for this period. Make sure you have someone to stay with you for the first 48 hours after the injury in case you experience more serious follow up symptoms. So जो जो मैंने symptoms बताए हैं वो common symptoms हैं. It is not necessary कि सबको सारे symptoms हो, maybe one or two symptoms. So you should have someone with you for 48 hours so that वो आपके सिम्टम्स मॉनिटर करते रहे और अगर कोई सीरियस सिम्टम्स है या कोई प्रॉब्लम हो रही है सो यू कैन बी टेकन टू इमरजेंसी एज सून एज. थैंक यू. सो एनी क्वेश्चंस? कोई भी क्वेश्चन है प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके आप कर दे. एनी क्वेश्चंस? Thank you so much for taking over, Dr. Blessy. Yeah, so I think you have covered up everything. Yeah, so along with this, मुझे ये बताना था कि not just आपके upper body की injuries होती है, आपका lower portion of the body भी included रहता है. जैसे कि for example, your back. Your knees and your ankle sprain bhi aapka the players they always face ankle sprain and back pain. Mere jitne bhi patients aaye the who were boxers, they were 90% of them were having shoulder injuries and the rest 10% were complaining of back pain and the ankle sprain. So you also have to take care of your core, not just the showing ab muscles, but yeah, the inner core muscles, which helps you to stabilize your spine so that you don't have back injuries. And also your ankle stability exercises jo hoti hai uske upar bhi focus karna hai so that ankle sprains ya ankle injuries na ho aapko.
I think you have discussed about the shoulder dislocations, right? Yeah. So if you have all the anthropologists, and even as a coach, you also have to take a history कि बार बार अगर बच्चे को shoulder dislocation हो रहा है तो आपको ये report करना है. And you have to make sure कि उनको they are properly guarded. बिकॉज बार बार वेयर एंड टेयर की वजह से आपका जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है उसमें जैसे कप होल्ड करता है वो कप होल्ड नहीं करता एंड देन इट बिकम्स अ फ्लैट सर्फेस जिसकी वजह से आपका जो बॉल है वो बार बार स्लिप करते रहता है एंड उसकी वजह से मेजर जो आप रोटेटर कफ इंजरीज बोलते हैं वो मेजोरिटी ऑफ द इंजरीज अकर इन दैट. एंड उसकी इफ रोटेटर कफ इंजरी है तो आपकी शोल्डर स्टेबिलिटी भी चली जाती है. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर स्टेबलाइजर्स आर वर्किंग एज वेल एज योर मोबिलाइजर्स आर वर्किंग राइट. सो या दैट वॉज इट दैट वॉज वॉट आई वॉन्टेड टू इंक्लूड इन दैट. या एनी क्वेश्चंस अगर कोई चीज समझ में भी ना आई हो तो प्लीज लेट मी नो बिकॉज द साइलेंस मींस इधर आपको सब कुछ समझ आ गया या कुछ नहीं समझ आया. सो थैंक यू डॉक्टर राजलक्ष्मी एज वेल एज थैंक यू डॉक्टर लेसी. तो अगर ऑल पार्टिसिपेंट से मेरी रिक्वेस्ट है अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अदरवाइज वी विल क्लोज द सेशन एंड वी विल मीट टुमारो. डॉक्टर ब्लेसी क्वेश्चन आया हुआ है चैट बॉक्स में अगर आप उसे रिप्लाई नीसल ब्लीडिंग के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लें. डॉक्टर राजलक्ष्मी इट्स नीसल ब्लीडिंग इन बॉक्सिंग एनी फर्स्ट एड एंड रिहैब प्लीज. ओके आई विल टेक दिस क्वेश्चन. देयर इज एक्चुअली दिस इज नो रिहैब प्रोसेस फॉर नीसल ब्लीडिंग. Only thing, if there is a nasal bleeding, you can do icing at that area so that it will stop the bleeding. As well as you need to keep your head upward so that it can stop the bleeding. But yes, you need to keep in mind that bahut der tak nahi karna hai because that will also imply that there will be some clots. So wo hame nahi karna hai. Only to stop the flow towards the ground, yeah, towards the gravity. तो वो हमें स्टॉप करना है सो दैट दैट्स व्हाई वी विल बी अप्लाइंग आइस एंड कीपिंग इट फॉर सम टाइम. यू नीड टू कीप योर हेड अपवर्ड दैट्स. एनी अदर क्वेश्चन? डॉक्टर ब्लेसी आई वांट टू ऐड समथिंग कैन आई? यस यस यू कैन. आई एम डॉक्टर तंजीला ताज स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएटेड विद बॉक्सिंग रोहतक. तो जैसे नोज ब्लीडिंग का इन्होंने भी पूछा था तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे वी हैव टू सी के क्या कॉज है उस नोज ब्लीडिंग का के ब्लो हुआ है या फिर उसको पहले से ऐसी कोई हिस्ट्री है कि इसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है तो हमें वो पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा या तो उससे डायरेक्टली पूछ कर अगर वो कॉन्शियस है या उसके जो आसपास के लोग हैं उससे पूछ कर कि इसका क्या रीजन है. कई बार पहले से हो रही होती है क्योंकि मेरे पास ऐसा केस आ चुका है नोज ब्लीडिंग का और उसके बाद हमें उसका वो करना पड़ता है कि पूरा सेस करने के बाद उसका ट्रीट करना पड़ता है. देन वी हैव टू स्टॉप द ब्लीडिंग बाय अप्लाइंग प्रेशर. हमें उस पर प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है एंड देन वी कैन पुट अ आइस ओवर देयर. और फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक चीज है कि हमें जो एथलीट है उसको आगे की साइड झुका के रखना इज बेटर देन कि हम उसे पीछे की साइड रखें क्योंकि अगर हम पीछे की साइड उसको हेड को टिल्ट करेंगे तो वो क्लॉट जमने के चांसेस ज्यादा होते हैं. तो अगर वो क्लॉट जम गया तो बहुत दिक्कत हो सकती है. तो इससे बेटर है कि वी हैव टू कीप द फॉरवर्ड हेड टिल्ट हेड को हमें फॉरवर्ड टिल्ट करना पड़ता है ताकि वो क्लॉट ना जमे अंदर नेसल पूरे पैसेज के में उसको हमें प्रिवेंट करना होता है. एंड देन ये चीज कर सकते हैं एंड फर्दर फिर वी कैन उसको हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज सकते हैं. दिस इज व्हाट आई वांट टू ऐड. थैंक यू डॉक्टर तंजिला. Any other question? किसी भी पार्टिसिपेंट के अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं. If anyone has any questions, please may ask.
डॉक्टर ब्लेसी एंड डॉक्टर राजलक्ष्मी, आई थिंक पार्टिसिपेंट के कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसे क्लोज कर सकते हैं. सो थैंक यू बोथ द डॉक्टर्स एज वेल एज ऑल पार्टिसिपेंट फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. सो टुमारो वी विल मीट, टुमारो द सेशन विल बी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर हार्दिक पटेल एंड दिस सेशन विल बी ऑन स्पेसिफिक स्पोर्ट्स इंजरी एंड देयर प्रिवेंशन इन रेसलिंग. So thank you for attending this session. Goodbye. Take care.